तो यार, हम सबने कभी ना कभी सिद्धू मूसे वाला या फिर दिलजीत दोसांझ के गाने तो सुने ही होंगे। मे बी एक्टिवली ना भी सुने हो, बट पैसिवली जरूर सुने हैं। तो क्या कभी तुमने सोचा है कि व्हाट मेक्स पंजाबी म्यूजिक सो अट्रैक्टिव एंड ग्रूवी? क्या वो रीजन है जिसके वजह से इनके म्यूजिक वीडियोस पे स्पेसिफिकली 200 मिलियन 1 बिलियन तक व्यूज आते हैं? वेल, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल 5 रीजंस बिकॉज ऑफ विच द पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट सच अ रैपिड पेस। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू ऑल द रीजन बिहाइंड हाई बजट म्यूजिक वीडियोस ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स। सो मेक श्योर कि ये वीडियो तुम पूरा देख रहे हो, जिससे तुम्हें काफी कुछ जानने को मिले अबाउट द पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। सो बेसिकली इंडिया में तुम्हें अलग अलग टाइप के कल्चर वाले लोग मिलेंगे। कोई तुम्हें बंगाली मिलेगा, कोई पंजाबी, कोई मारवाड़ी एंड सो ऑन। एंड इन अलग अलग कल्चर के लोगों को एक चीज हमेशा यूनाइट करती है, विच इज म्यूजिक। अब सबका म्यूजिक प्रेफरेंस अलग होता है। कुछ लोग इंग्लिश गाने सुनते हैं, कुछ लोग अपने रीजनल गाने सुनते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पंजाबी गाने सुनते हैं। बट तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि पंजाबी गाने, जो ये पर्टिकुलर गाने होते हैं, ये अलग अलग टाइप के लोग भी सुनते हैं। अब लेट्स से कि आज के वक्त तुम्हें तमिल जो लैंग्वेज है वही समझ नहीं आती है, और तुम तमिल गाने भी सुनते हो, वो भी तुम्हें पसंद नहीं है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें पंजाबी भी नहीं आती है, बट तुम पंजाबी गाने सुनते हो। एंड यही इस पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की खास बात है कि ये किसी भी कम्युनिटी या एज पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग एंजॉय करते हैं। जो भी लोग हैं वो लोग मेजरली पंजाबी गाने पे ग्रूव करते हैं, भले ही उन्हें शायद लैंग्वेज समझ ना आए। एंड द रीच ऑफ दीज सॉन्ग्स डू नॉट नो एनी बाउंड्रीज। पंजाबी सॉन्ग्स तुम्हें कनाडा में भी सुनने को मिलेंगे, US में भी सुनने को मिलेंगे, और इंडिया में तो सुनने को मिलेंगे। एंड विद दिस बीइंग द रेफरेंस, वी कम टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, विच इज यूनिवर्सली एंजॉयबल म्यूजिक। तो जैसा कि मैंने कहा कि शायद तुम्हें कुछ भी समझ ना आता हो पंजाबी गानों में, फिर भी तुम वाइब कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली हर गाने डेस्पासीटो जैसे नहीं होते हैं। सो बेसिकली पंजाबी गाने जो होते हैं वो तुम्हें थोड़ी सी डेस्पासीटो वाली वाइब जरूर देते होंगे, क्योंकि इवन पंजाबी गाने भी सबको नहीं आते गाने, बट काफी लोग गाते हैं। इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उन्हें बेसिक टेक्निकलिटीज नहीं पता म्यूजिक की, एंड ऑल दे वांट इज अ ग्रूवी म्यूजिक जिसपे वो एंजॉय कर सके। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द वाइब दैट अ पर्टिकुलर सॉन्ग गिव्स, और पंजाबी गाने जो होते हैं वो एक्चुअली हाईली एंजॉयबल होते हैं, भले ही तुम्हारी एज कम हो या ज्यादा हो, या शायद तुम किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हो, यू विल डेफिनेटली लाइक पंजाबी म्यूजिक। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज हैवी बेस। अब ये जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा वेग लगेगा, बट एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पंजाबी गाने के 300-400 मिलियन व्यूज क्रॉस करने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द पंजाबी गानों के जो बेस होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं, भले ही गाने में लिरिक्स ना हो, बट जो बेस और बीट्स है वो हमेशा हाई रहती है। अब पंजाबी गानों को सुनने का मजा तभी आता है जब तुम्हारे जो ईयरफोन्स है वो स्पेसिफिकली बीट्स के लिए डिजाइन किए हों, जो हाई बीट्स ले सके एंड तुम्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस दे सके जो कि और कोई नहीं दे सकता। एंड व्हाट इफ मैं कहूं कि मेरे जैसे बेस लवर्स के लिए, जिसे पंजाबी गाने सुनने बहुत ही ज्यादा पसंद है, उनके लिए विंग्स ने स्पेसिफिकली ईयरफोन डिजाइन किया है जिसका नाम है विंग्स का बीट पॉड्स। यार ऑनेस्टली मैं पिछले एक महीने से यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम एक्चुअली अ लवर ऑफ हाई बेस म्यूजिक, एंड मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। इनकी ऑडियो एकदम क्लियर आती है, और इनका डिजाइन भी काफी ज्यादा स्लीक है, जो कि कंफर्टेबल रहता है तुम्हारे कानों के लिए। इट्स अ ट्रूली वायरलेस ईयरफोन, तो यार वायर्स का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। एंड विंग्स और भी काफी सारे गेमिंग ईयरफोन्स भी बनाती है, सो मेक श्योर कि तुम विंग्स से ही अपना अगला ईयरफोन डेफिनेटली लो। द बेस्ट बाय लिंक ऑफ विंग्स ईयरफोन इज इन माय डिस्क्रिप्शन बिलो, मेक श्योर टू चेक देम आउट। द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग इज लाविश म्यूजिक वीडियोस। अब तुम देखते होगे कि ये जो पंजाबी गाने होते हैं उसमें सुपर कार्स होती है, काफी सारी मॉडल्स रहती है, काफी सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं, काफी सारे एनिमल्स रहते हैं, लाइक डॉग्स हो गए, मतलब काफ़ी हैवी खर्चा होता है। तो यार इसका एक सॉलिड रीज़न है जिसके वजह से पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में स्पेसिफिकली ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है, एंड द रीज़न इज़ टू मेक यू फील लग्जूरियस अबाउट इट। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लग्जूरियस लाइफ काफ़ी कम लोग जी रहे हैं, एंड एक्चुअली जब वो लोग देखते हैं म्यूजिक वीडियोज़ में कि हाँ इतने सारे सुपर कार्स है, तो वो फैसिनेट हो जाते हैं कि यार भाई साहब ऐसी लाइफ जीनी है। एंड दैट इज द मेजर रीजन फॉर इवन रेकरिंग व्यूअरशिप ऑन दीज टाइप ऑफ म्यूजिक वीडियोस, क्योंकि जो बंदा एक बार म्यूजिक वीडियो देखता है वो और दो चार बार देखता है, बिकॉज ही फील्स गुड। उसे लगता है कि हाँ यार कभी मेरी भी लाइफ ऐसी हो सकती है। एंड टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ व्यूज कमिंग ऑन टू दीज वीडियोस, तो यार वो तो एड्स लगा के होता है, क्योंकि इनके पास फंड काफी ज्यादा होता है मार्केट करने के लिए अपने म्यूजिक वीडियोस को। एंड दैट इज द रीजन कि जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा हाई ग्रॉसिंग है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द टोनालिटी ऑफ द लैंग्वेज। पंजाबी जो एक लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती है। ये लैंग्वेज तुम्हें एक अपनापन महसूस करवाती है, एंड एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जब भी तुम कोई भी पंजाबी गाने सुनते हो। एंड यही रीज़न है जिसकी वजह से लोग पंजाबी गाने जिम में चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स में चलाते हैं, स्ट्रीक्स डालते हैं स्नैपचैट पे, गाड़ियों में चलाते हैं, नाइट क्लब्स में चलाते हैं, एंड ऑलमोस्ट हर उस जगह पे चलाते हैं जहाँ पे हैप्पीनेस होती है।
बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी जब खुश रहता है वो स्ट्रेंथ वाले गाने सुनेगा रादर देन लिसनिंग टू अरिजीत सिंह। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, वी हैव मनी। मनी यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि 2018 के डेटा के हिसाब से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का नेटवर्थ 200 करोड़ था, तो आज के वक्त 2021 में तो शायद ये डबल भी हो गया होगा। एंड इसके प्रूफ तुम्हारे सामने है, लाइक गुरु रंधावा, बादशाह, दिलजीत दोसांझ, सिद्धू मूसेवाला, जस्सी गिल एंड सो मेनी मोर। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द म्यूजिक दैट वी लिसन टू, क्योंकि हमें बस पसंद है वो म्यूजिक सुनना। एंड द डे वी स्टार्ट एनालाइजिंग द टेक्निकलिटीज इन अ पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो, उस दिन हम वो मजाक हो जाएंगे जो कि शायद आज इंडिया के लोगों में है। डू लेट मी नो अगर तुम्हें इस टाइप की और वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज में ग्रोथ कैसे ले रहे हैं काफी लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड विद दैट बीइंग सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।